हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी टिपले, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन फेम केयर फर्टिलिटी। आज के हमारे ये वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में। अभी प्रेगनेंसी रहना यानी पीरियड मिस होना, इसका मतलब ब्लीडिंग ना आना, यही सिम्टम्स होता है। तो जब किसी की प्रेगनेंसी रह जाती है यानी नेचुरली रहती है या आफ्टर ट्रीटमेंट रह जाती है और घर में एकदम खुशी का माहौल रहता है, उसके बाद यदि ब्लीडिंग दिखाई देती है तो पैनिक की सिचुएशन तैयार होती है। तो यदि आप प्रेग्नेंट हो और आपको ब्लीडिंग दिख रही है तो आपने सबसे पहले एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर को विजिट करना है, बिकॉज प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी कभार होता है कि ये अबॉर्शन का भी फर्स्ट साइन होता है, या कभी कभार हमारे प्रेगनेंसी के अराउंड सबकोरियोनिक कलेक्शन यानी प्रेगनेंसी के जो सैक रहते हैं उसके अराउंड ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर को आप विजिट करोगे, डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट, थायराइड, आपका बीटा एससीजी और स्कैन करके क्या एग्जैक्टली पिक्चर है वो देखेंगे। कभी कभार हम डॉक्टर्स पीवी एग्जामिनेशन यानी वजाइनल एग्जामिनेशन करके भी देखते हैं कि आपका जो सर्विक्स है वो ओपन तो नहीं हो रहा है, यानी आप अबॉर्शन की तरफ तो नहीं जा रहे हो। तो आपको यदि कभी भी ब्लीडिंग दिखे तो आपने डॉक्टर्स को विजिट करना है। यूजुअली पेशेंट जब हमारे पास ब्लीडिंग पीवी लेके आते हैं तो उनका जब हम कुछ एडवाइस करते हैं, उनको हॉस्पिटल एडमिशन एडवाइस करते हैं या कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं, मेजॉरिटी टाइम होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन की डिफिशियंसी के वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, यानी आपके यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करना यानी लेबर पेन देना स्टार्ट कर सकते हैं। उस टाइम पर हम प्रोजेस्ट्रॉन मेडिसिन आपको एडवाइस करते हैं सो दैट हम कुछ लेवल तक वो आपका यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कम कर पाए। बट पेशेंट का क्वेश्चन रहता है, डॉक्टर क्या ये मेडिसिन से कुछ हार्म होगा? सबसे पहले तो यदि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है यानी वो एबनॉर्मल है, उस टाइम पे यदि आप डॉक्टर्स की हेल्प नहीं लोगे या आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं लोगे तो हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी डॉक्टर मेडिकेशन की वजह से या आपको एडवाइस देके प्रिवेंट कर सकते थे वो जर्नी आपकी एबॉर्शन तक लेके जाओगे। कभी कभार होता है कि हम डॉक्टर्स को आपको आपकी सिचुएशन देख के, आपकी कंडीशन देख के हम आपको हॉस्पिटल एडमिशन भी एडवाइस करते हैं, बिकॉज कभी कभार हमें आईवी मेडिकेशन आपको देने पड़ते हैं, एससीजी इंजेक्शन, प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन। कभी कभी यदि आपको इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। तो आपके डॉक्टर्स आपको जो एडवाइस देते हैं उस पर आपने ट्रस्ट करना है और आपने ट्रीटमेंट लेनी है। ये तो बात हुई कि अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी हमारी प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुआ। कभी कभार होता है कि हमारी प्रेगनेंसी स्मूथली 3 महीने तक चली जाती है और उसके बाद हमें ब्लीडिंग होती है। ये जो ब्लीडिंग होती है वो मेजॉरिटी टाइम पे आपका जो सर्विक्स रहता है यानी आपके यूट्रस का जो सर्विक्स रहता है वो वीक होने की वजह से हो सकता है। अबे सर्विक्स का काम क्या रहता है? सर्विक्स यूजुअली हमारी प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है। यदि वो वीक है, उसमें सॉफ्टनिंग इफेसमेंट आना स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है ना कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाए, या हमारा बेबी 3 to 5 मंथ का जो बेबी है वो यदि जल्दी बाहर आए तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे। तो वो केस में यदि आपको ब्लीडिंग होती है तो आपके डॉक्टर्स ने यदि एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बताया कि आपका सर्विक्स शॉर्ट है या उसमें सॉफ्टनिंग है तो आपने ट्रस्ट करना है डॉक्टर। हम डॉक्टर उस टाइम पे आपको सर्वाइकल एनसर्कलाज यानी सर्विक्स को टाका लेने की सलाह करते हैं, तो वो आपने लेना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने सर्विक्स को टाका ले लिया, सर्कलाज ले लिया तो उसके बाद हम लोग नॉर्मल हो जाए। ये जो सर्कलाज रहता है ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यदि आपका ऑर्गन वीक है तो आपके 7 मंथ 8 मंथ में भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, तो उस टाइम पे डॉक्टर के एडवाइस पे आपको बेड रेस्ट लेना या डॉक्टर ने आपको कम एक्टिविटी करना एडवाइस किया है तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है। कभी कभी ये भी होता है कि प्रेगनेंसी अच्छे से ब्यूटीफुली 8-9 मंथ तक गई है और फिर आपको ब्लीडिंग दिखता है, तो वो केस में वो ब्लीडिंग आपको शायद से लेबर पेन की वजह से भी हो सकती है। यूजुअली लेबर पेन डायरेक्टली नहीं आते, पहले आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड होती है, आपका सर्विक्स सॉफ्ट होता है, फिर वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपका सर्विक्स का जो डिस्चार्ज है वो ब्लीडिंग जैसे बाहर आता है, तो ऐसे केस में आप
को डॉक्टर को विजिट करने के बाद यदि आप लेबर में जा रहे हो तो डॉक्टर आपको डिलीवरी की एडवाइस दे सकते हैं। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनके केस में ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, वो होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अभी ये प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? यदि आपका जो प्लेसेंटा है जो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो आपके सर्विक्स पे है यानी लोअर डाउन है, उस केस में हम डॉक्टर्स आपको कंप्लीट बेड रेस्ट भी एडवाइस करते हैं जब तक प्लेसेंटा आपका ऊपर नहीं जाता। यदि आपके प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री है कि आपको ब्लीडिंग आ गया था और फिर अबॉर्शन हो गया, या आपके 3 महीने में आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ आपका सर्विक्स ओपन हुआ है, या आपकी 6-7 मंथ में डिलीवरी हुई है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी डॉक्टर्स को मिलते हैं तो आपने आपकी पूरी हिस्ट्री अच्छे से बतानी है, बिकॉज कभी कभार एक मेडिकेशन हम एक्स्ट्रा दे देते हैं तो उससे भी आपका ये ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी या आपका अबॉर्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट यदि ट्रीटमेंट पे हो यानी वो इकोस्प्रिन टैबलेट ले रहे हो, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन ले रहे हो और आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे हम डॉक्टर आपको वो मेडिकेशन कुछ दिन के लिए लेना स्टॉप करने के लिए बताते हैं। तो ये तो हमने सब बात की है ब्लीडिंग इन पीवी के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपका ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का अबॉर्शन बचा सकता है, बिकॉज अबॉर्शन ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी इसमें एक सिंपल रूल है, जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने जो मेडिसिन एडवाइस दी है वो लो और आपकी प्रेगनेंसी को बचा सकते हो। थैंक यू सो मच।